100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से डिबेट का निमंत्रण स्वीकार करते हुए राहुल गांधी के लिखे पत्र को 72 घंटे यानी 3 दिन बीत चुके, लेकिन तथाकथित 56 इंची सीने की ओर से अभी तक इस पर न कोई जवाब आया है, न ही निमंत्रण स्वीकार किया गया। सच यह है कि खुले मंच पर देश के सामने राहुल गांधी से डिबेट करने की हिम्मत मोदी जी जुटा ही नहीं पा रहे। राहुल गांधी के अंदाज में अगर कहें तो क्या हुआ, घबराए गए क्या मोदी जी? मोदी जी थोड़ा सा घबराए गए क्या? खैर, आपकी ये घबराहट जायज भी है, ये आप भी जानते हैं कि 10 सालों में कुछ काम तो किया नहीं है, अब किस मुंह से डिबेट करें? अगर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा तो क्या बोलेंगे, क्योंकि महंगाई आसमान चीरने को तैयार है, बेरोजगारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का जो सबसे बड़ा घोटाला किया वो भी अब देश के सामने। अगर 10 साल क्या किया ये बताना पड़ गया तो जवाब क्या देंगे, क्योंकि झूठ बोलने, नफरत फैलाने और लोगों को गुमराह करने के अलावा तो आपने कुछ किया नहीं। अगर भविष्य का रोड मैप बताना पड़ गया तो क्या बताएंगे, क्योंकि इस बार तो प्लान संविधान बदलने का है, लोकतंत्र कुचलने का है। कुल मिलाकर ये कंफर्म है कि मोदी जी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। मोदी जी वहीं जाते हैं जहां उनकी चरण चुंबक मीडिया का इंतजाम है, जहां उनके मन पसंद सवाल है और दिमाग पॉकेट में रखकर सुनने वाला सामने। आप खुद ही सोचिए ना, जिस आदमी ने 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया वो अब क्या डिबेट में आएगा। मोदी जी अच्छे से जानते हैं बगैर स्क्रिप्टेड इंटरव्यू अगर करना पड़ा तो जनता हिसाब मांगेगी और उनके 10 साल का हिसाब तो निल बटे सन्नाटा है। अपनी दोस्ती बन जाए।